अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, और सिमसिम टीवी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और एक बड़ी खबर और एक बुरी खबर आई है जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, मोहम्मद हसनैन के लिए और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। बुरी खबर यह है कि मोहम्मद हसनैन जो कि सिडनी थंडर्स की तरफ से बिग बैश लीग में खेल रहे थे, और उन्होंने सिडनी थंडर्स की तरफ से 5 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 7 विकेट्स लिए, और इकोनॉमी उनकी 5 मैचेस में अंडर 6 रन रही है, और बेहतरीन बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया और उनकी तारीफ़ों के पुल भी बनते जा रहे थे फॉर्मर और ऑस्ट्रेलियन साबका क्रिकेटर्स की तरफ से। उनको इलीगल बॉलिंग एक्शन पर रिपोर्ट किया गया है ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स की तरफ से, और अब उनको बैन कर दिया गया है फिलहाल के लिए जब तक कि वो टेस्ट नहीं करवाते। और ICC की जो बायोमैकेनिक्स लैब है एक्रेडिटेड, जो कि लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी में है, वो वापस आके PSL के लिए वो वापसी कर रहे थे ऑलरेडी, तो ये डिसाइड किया गया कि वो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ना करवाएं, वो वापस आके लाहौर में ही टेस्ट करवाएं। और अब 14 दिन तक उनका रिजल्ट आएगा टेस्टिंग के बाद। देखना यह है कि PCB उनको PSL में खेलने के लिए अलाउ करता है या नहीं, क्योंकि पास में PCB ने इलीगल बॉलिंग एक्शंस वालों को अपने डोमेस्टिक सेटअप में या PSL में भी खेलने नहीं दिया। लेकिन ICC के क्लॉज 11.5 के मुताबिक जो आपका नेशनल सेटअप है, जो कि इस केस में PCB है मोहम्मद हसनैन का, वो आपको अपने डोमेस्टिक सेटअप में खेलने तक अलाउ कर सकता है जब तक कि आपका बॉलिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता। अब देखना यह है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये कितना बड़ा धचका साबित होता है, मोहम्मद हसनैन के लिए जो कि 21 साल के एक यंग अपकमिंग फास्ट बॉलर हैं, उनके करियर में इसका क्या असर पड़ता है, और PSL में PCB उनको अलाउ करता है टेस्ट के रिजल्ट आने तक खेलने के लिए या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जानते रहिए, देखते रहिए सिमसिम टीवी। बहुत शुक्रिया।